साहब जो हम लई जात रहे ना खिन्नी टल्ला, बताओ कितना आपके पेट्रोल लगत और कितनी दूर। अरे आपो आदमी हो, हमहू समझित है, लेकिन एक चीज हम यह जानित है कि जितना तुम झेल रहे हो, समझो आगे जितना झेल रहे हैं लोग, इतनी ड्यूटी यहाँ हुआ भागे भागे बेचारे और स्टाफ का, अरे हम ही अपन दिमाग लगावा। अब हियाँ देखो ये पिछौड़ा खड़ी हो जाती है, आज कह रहे हो इसे कमीने से कि पूरा गोल के बराबर कर दे, लेकिन अब कहें बिहान करो बिहान से ही चलो तो ठीक है, फुर-फुर वैसे भी वो कर लेगी। नहीं, ऊपर नीचे है, हाँ ऊपर नीचे है, हाँ ये सख्त जमीन है। तो यही मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि भैया हो हर कोई हाँ मालूम, खैर पीछे लात न चला, मैं इसे सीधी हैं। एक सुनो, एक काम ना करो, पहले ड्रेसिंग ना इनके कर लो, जब सुई लगी हो तो और इतना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अब तो हमके दिन का तीन तीन ठे जो हुआ सूखने वाली जगह। हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ, कंट्रोल कर, चलो हाँ ये बैठी है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तो आराम है। हाँ 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 बैठ जाती बिल्कुल, बैठ जा तो आराम, यही बात। तो ये महागौ की सेवा है। अब हम मंत्री लोगों के बारे में सुन रहे हैं तो हमको हंसी आ रही है कि हम अपने तमाम मंत्री बीजेपी मंत्रिमंडल में ये कह दें ये कि भैया अब ये बूचड़ खाने बंद होने से आपको किसी भी प्रकार की अब कोई को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी महापूजा है, अरे भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है, और गो विशेषांक आता है गोरखपुर का उसमें लिखा है, और मैं ये दावे से कह रहा हूँ आज 28 मार्च की हमारी भविष्यवाणी है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, देखिए सब निशा शर्मा भी आ गई हमारी बेटी भी, तो सुबह शाम रात इसी में लगी रहती है, भाई कहाँ वकील साहब के यहाँ जा रही थी, नहीं गई तो नहीं गई दीवानी कचहरी से, वहीं से बिल्कुल जैसे धरना दे दिया फिर और वापस जैसे आना हुआ भर भागते चली आई, और आँखों में तमाम आंसू आ रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई देखिए, तो अब हमारा योगी और मोदी जी को एक संदेशा है कि आप 7 जन्मों तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आगे पीछे आप लोग बनते रहेंगे। आपने जो बूचड़ खाने बंद करवाए हैं, कितना बड़ा पुण्य है कि आप बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लीजिए, और भैया जो जिसने काम किया हो उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। आपको किताबी विद्वान तो हर धर्म में मिलेंगे, धर्म गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई आदमी गाय गधा कुत्ते सड़े घाव धोते धोते बूढ़ा हो गया हो वो पूरे विश्व में आपको मैं ही मिलूँगा। मैं सीना ठों के कहता हूँ कि 7 जन्म तक मोदी और ये आपके योगी जी CM और PM बनते रहेंगे, और उनके जितने बीजेपी के नेता हैं और भी जितने भी लोग हैं वो भी कोई मंत्री बनेगा कोई कुछ बनेगा, लेकिन इतना बड़ा पुण्य बीजेपी वालों ने कमाया है उनको चूंकि मौका मिला, और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा दिमाग लगाया। हाँ ये समझिए कि उनको क्या बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन लोगों ने बीजेपी को नहीं वोट दिया है वो सोचो कितने बड़े पाप के भागीदार होंगे। इसका तो वही है ना कि गोबर भी उपले चलाने के काम आता है, हाँ। है तो नहीं, हमारा तो बस चला, अगर इतनी जमीन मेरे पास हो मैं तो परमानेंट पड़ी रहूं, हाँ। तो पड़े रहने दीजिए, मत दीजिएगा इसको, तो अभी नहीं ये जब ठीक हो जाएंगे ना तो घर का तमाम जूठन बूठन निकलता है। नहीं नहीं मत, अब भूसा हमारे पास कुंटलों में रखा है, नहीं नहीं सब रखा मेरे लगे भाई, हाँ बोले हाँ वही तो हमने कहा कि देखो जो चीज है वो है, तो कुल मिला करके। अच्छा भैया आज जैसे आज ड्रेसिंग हुई है, हाँ। तो अब कल नहीं परसों करें, है? अच्छा हाँ भैया सुनो इंजेक्शन भी लगाएंगे ना, हाँ कहाँ हाँ हाँ हरे राम हिला दी होगी, नमक पानी हल्का घोल दीजिए। अच्छा नमक गुनगुना पानी, अच्छा ठीक है।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, हम हमारी बेटी रात दिन, और ये बेचारी अपने चार पांच कुत्ते में परेशान रहती है। तो अब यही हम आपको बता रहे हैं कि भैया इससे सीखो समझो, हर आदमी का नियत का होगा जिस दिन हम अकेले ड्रेसिंग नहीं नहीं हाँ 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 दिन का नहीं है था पहले नहीं, नहीं जब इंजेक्शन कमरे में लगा रहे थे बार बार गैया झटिक रही थी उसी समय का है ये, जब ये कमरे में नहीं आप लगा रहे थे तो बार बार झटिक रही थी, कई कई बार आपको लगाना पड़ा। कुछ नहीं, अच्छा गले में लगाना जरूरी इसको। अच्छा आपकी बात चाहे पुट्ठे पे लगा दिया, हाँ तो पशु सेवी होने का मतलब कि में ज्यादा सही है। हाँ हाँ गले में मत लगाइए। हाँ गले में ऐसे भी दर्द उसके हो रहा है। पुट्ठा देखो एक सेकंड इसको बता नहीं चला। हाँ नहीं गले में आप मत लगाइए तो। अच्छा गाँव वाला कुत्ता भी पकड़ में नहीं आवा? नहीं पकड़ में आया अंकल जी। अच्छा 2200 का जाली बनवाए पूरी को। अच्छा तीन दिन से रोज घुरवा रहा, परसों गए कल गए उसके एक दिन पहले गए और वो पकड़ में नहीं आया। ₹100 रोज दे रहे लंदन का क्या पूछना, वही का इनाम। अरे घाव का सड़ गया है, घाव ऊपर में जहाँ जाता है जिसके बगल में घुसता है तो लोग लाठी मार के घर से निकाल देते हैं। हाँ उसके बदबू आ रही, कीड़े पड़ गए हैं। हाँ नहीं अगर वो अगर पकड़ में आ गई है तो उम्मीद है। हाँ भैया ये यहाँ वाले, अच्छा हाँ आपने पीछे लगा दिया तो बस ठीक है भैया। अब हम इसीलिए अब हम रोज सवेरे बंदर खिला देंगे, जब आपका सुविधा हुए हम आप लोगों का बुलाई थे तो हमका बड़ा कष्ट हो, लेकिन हमका गरीब मजबूर हैं। अच्छा हम अस्पताल में रखे, लेकिन अब दुबे जी कहें नहीं महाराज वहाँ रख लो मैं भेज दूँगा, हमने कहा चलो। अच्छा यहाँ हमारी बेटी को आराम है, चारा दे दो पानी दे दो, ठीक। तो अब यह भाई आप लोगों का थोड़ा कष्ट हो रहा है तो भाई भाई के लिए हमको अब क्षमा की नो मजबूर रहे। हाँ तो परसों है ना लगभग यही टाइम है ना, ठीक है। आप चाहे अब जब आओ, हम सवेरे ही बंदर खिलाई अब जाके, चाहे आप जब आओ भैया, आप लोग उनके सामने कितनी मजबूरी है वो हम समझ रहे हैं, कितनी दिक्कत है। तो आपने ये देखा और मोदी और योगी जी से हमारा यह संदेशा है कि अगर ये गाय में हाथ न लगाए होते, हाँ 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 छीट दो न लगाए होते तो क्या नाम ये अब तड़प तड़प के मर गई होती है कि नहीं। जब आपने देखा था कंडीशन जब तड़प तड़प किसकी मौत हो जाती है। तो आज 28 है, उठ जाओ। किसी ने मार दिया हो कहो, हाँ हाँ वही का तो लाना है। मणि को विराम दे रहे हैं, अभी आपने देखा ये हमारे धमन त्रिवेदी जो हमारे टैबलेट को सब लोड करते हैं यूट्यूब में, अभी झंडा टांगे थे हवा से गिर गया था, तो हमने कहा बेटा उसको मजबूती से टांगो, उसके भी वीडियो बनाएंगे। तमाम उनको शौक़ है, कहीं कुछ नहीं मिला तो यहाँ टांग दिया, वहाँ टांग दिया, वहाँ टांग दिया, एक वहाँ टांग दिया। तो ये है एक यानी बचपन से उनके अंदर एक ये चीज़ें आ गई हैं धमन त्रिवेदी। तो लेवरा मुई का देख जाओ,
अरे इनके कोई खास हम खास पेड़ा भेजे हम कहा एक थी लेके आओ चाहिए फल सर कहीं एक एक सब जने खाई है। अरे पहने रहेगा पहने रहो अच्छा चलो ठीक बैठो अम्मा जी बोला चाय बना के दिए हमने देख करके। अच्छा ये क्या नाम अब आप जो है इत्मीनान से कमरक बिन लीजिएगा दो चार छः जो मिले वो सुनिए हाँ ऑटो में जब जा रहे थे तो हाँ, किसी ने देखा हाँ, जब देखे कि भैया इसमें कमरा के ऊपर से दिखाई पड़ रहा था ना पूरा झोला हाँ, तो हमने कहा लेना तो ले लो फिर पाँच छः ठो निकाल ली उससे अच्छा, अभी भी अंकल जी है इतने का। अच्छा खैर चलिए ले जाके उसका बांट दीजिएगा तो उसके बाद पीछे बैठ भी देख लीजिएगा तो हम हाँ रख रहे हैं अब हम